हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनिंग ऑफिसर जिसे आप आईटीआई अनुदेशक के नाम से भी जानते हैं कि 366 पदों पर जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया है उसका एग्ज़ाम डेट आपकी आ गई है। अलग अलग ट्रेड के एग्ज़ाम डेट जो है अलग अलग दिन होने वाली है और इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले बताई हुई है जिसमें जो है किस ट्रेड में टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम बता दें कि जो आपका फॉर्म फिलअप है वो 8 मई से फॉर्म फिल हो रहे हैं और फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 28 मई रखी गई है। ठीक है, 28 मई तक ये फॉर्म फिल होंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, फाइनल सबमिट हो गया है फॉर्म, तो उसके करेक्शन के लिए है जो पोर्टल भी खोला जाएगा। कब से कब तक खोला जाएगा ये करेक्शन पोर्टल? तो ये करेक्शन पोर्टल आपका 29 मई से 31 मई के बीच में खोला जाएगा। अब इस जो छत्तीसगढ़ आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है वो छत्तीसगढ़ के लोकल कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को ये फॉर्म फिल करने की अनुमति नहीं है, वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। और फॉर्म की जो फीस है, फॉर्म की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म है। चाहे वो जनरल कैंडिडेट्स हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो या फिर एससी एसटी कैंडिडेट, किन्हीं से भी ये फॉर्म की फीस नहीं ली जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किस ट्रेड का आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पर सभी ट्रेड में जो है वैकेंसी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रशिक्षण अधिकारी यानी ट्रेनिंग ऑफिसर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की, तो इसका एग्ज़ाम जो है आपको 7 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। 7 जून को सुबह 10 से आपका 12-15 के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। टाइमिंग भी दे दी गई है आपकी। ठीक है, और प्रशिक्षण अधिकारी कम्युनिकेशन ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा का जो एग्ज़ाम है वो भी 7 जून को करवाया जाएगा। दोपहर 2 बजे से 4:15 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर 8 जून को इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। वायरमैन का 8 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। कारपेंटर का एग्ज़ाम 9 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। टर्नर का एग्ज़ाम भी यहाँ पर 9 जून को, और ड्राइवर कम मैकेनिक का एग्ज़ाम 12 जून को, मैकेनिक मोटर व्हीकल का एग्ज़ाम भी 12 जून को कराया जाएगा। ठीक है, मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एग्ज़ाम 13 जून को, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग का एग्ज़ाम 13 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा, फिटर का एग्ज़ाम 14 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा, वेल्डर का भी एग्ज़ाम 14 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगर मैकेनिक डीजल और मैकेनिक ट्रैक्टर का, तो इन दोनों का एग्ज़ाम 15 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। मशीनिस्ट ग्राइंडर और राड्समैन मैकेनिक का एग्ज़ाम जो है 16 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का एग्ज़ाम आपको 19 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहाँ पर मशीनिस्ट और सीट मेटल वर्कर का एग्ज़ाम आपको 20 जून को कंडक्ट करवाया जाए। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी का जो एग्ज़ाम है और सीविंग टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम 21 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा, और एम्प्लॉयबिलिटी का एग्ज़ाम आपको 22 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो है इस वैकेंसी में जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, यहाँ पर आई टी आई स्टूडेंट्स और डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है, ये तीनों ही स्टूडेंट्स जो जिन्होंने बीटेक कर रखा है ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री, दो तीनों स्टूडेंट्स यहाँ पर तीनों फील्ड के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आईटीआई की बात करें तो यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, डिप्लोमा वालों से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीचिंग फील्ड में। आपने कहीं पहले टीचिंग किया है, कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाया है एज अ गेस्ट लेक्चरर, तो वहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनसे यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अभी तक इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है कि आपका सिलेबस क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपका एक रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एक रिटन एग्ज़ाम होगा, और सेकेंड स्टेज में आपकी मेरिट लिस्ट जो भी इन्होंने
कंडीशंस दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीआईटीएस अगर आपने किया है तो आपको 10 अंक का जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा वो यहाँ पर बताया गया है। CITS कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने किया है तो आपको 10 नंबर अधिक मिल जाएंगे। तो फाइनल मेरिट के लिए 10 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर आपकी फ़ाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप इनका ऑफिशियली अभी कोई सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है फॉर ITI इंस्ट्रक्टर के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि आपका 60 से 70% जो है, 60 से 70%, जैसा कि अदर स्टेट वाले ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए सिलेबस अपना बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 60 से 70% आपके ट्रेड से ही रहेगा। मतलब अगर आप फिटर से हैं तो फिटर से 60 से 70% क्वेश्चंस रहेंगे, इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन से रहेंगे, डीजल मैकेनिक से हैं तो डीजल से रहेंगे, वेल्डर से हैं तो वेल्डर से रहेंगे, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन से हैं तो उससे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 60 to 70% आपके ट्रेड से रहेंगे। अदर जो 30 to 40% है वो आपके जनरल अवेयरनेस से, यानी GK से रहेंगे, या फिर GK और आपके जो एप्टीट्यूड है, ठीक है, एप्टीट्यूड से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उससे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये सिलेबस डिटेल्ड अपलोड किया जाता है मैं उसका भी वीडियो आपके लिए ले आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।